बुलेटिन की शुरुआत करने के साथ की बड़ी खबर के साथ बता दें, पीएम मोदी से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मुलाकात की है। पीएम मोदी से कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। सीएम ने कानून व्यवस्था को लेकर पीएम मोदी को रिपोर्ट सौंपी और पीएम मोदी से मुलाकात के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 9 जनवरी को इंदौर में अब प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाएगा। उसके बाद कहा कि एमपी में इन्वेस्टर्स समिट की तारीखों में भी बदलाव हुआ है, अब 7 से 9 जनवरी को इंदौर में इन्वेस्टर्स समिट की जाएगी। पीएम मोदी से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मुलाकात की है। पीएम मोदी से कई अहम मुद्दों को लेकर दोनों के बीच चर्चा हुई। सीएम ने कानून व्यवस्था को लेकर पीएम मोदी को रिपोर्ट दी, तो वहीं पीएम मोदी ने मुलाकात के बाद बता दें, सीएम ने कहा कि 9 जनवरी को इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाएगा। अब ये रोजगार दिवस हर महीने हम आयोजित करेंगे और कम से कम 2 लाख नौजवानों को हर माह रोजगार दिया जाएगा। केंद्र सरकार की, प्रधानमंत्री जी की योजनाएं प्लस राज्य सरकार की योजनाएं, दोनों मिलकर डबल इंजन की सरकार जैसा काम करती है। इन रोजगार के अवसरों को नौजवानों को उपलब्ध कराने का काम करेंगे। ग्राम का जन्मदिन और गौरव दिवस ग्राम और नगरों का मुझे बताते हुए खुशी है, मैंने प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया कि अब तक हमारे 14,000 गांव में संपन्न हो चुका है, 31 नगरी निकाय में संपन्न हो चुका है। और ये केवल गौरव दिवस नहीं होता, इस दिन गांव के लोग जहां बाहर होते हैं वो भी आते हैं। और हम अपने परिश्रम से गांव में कौन कौन सी चीजें कर सकते हैं, कोई आंगनबाड़ी ठीक से संचालित करता है, कोई स्वच्छता अभियान में भाग लेता है, कोई स्कूल कैसे ठीक चले, बच्चों को और कैसे बेहतर ढंग से हम पढ़ा सकते हैं, गाँव के उत्सव कार्यक्रम, आपके अलग अलग लोक कलाओं का प्रदर्शन, खेलकूद स्पर्धाएं होती है। तो एक अभियान के रूप में पूरे मध्य प्रदेश में गौरव दिवस मनाने की परंपरा चल पड़ी है। उसके बारे में भी मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया। केंद्र सरकार की जो हमारी फ्लैगशिप स्कीम्स हैं उनमें मध्य प्रदेश का प्रदर्शन बहुत अच्छा है, उससे भी प्रधानमंत्री जी को अलग अलग योजनाओं के बारे में हमने अवगत कराया। अमृत सरोवर मध्य प्रदेश में बन रहे हैं, लगभग 3,800, ये आज़ादी 75 पे कम से कम एक जिले में 75 अमृत सरोवर बने, ये प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था, मध्य प्रदेश ने उस आह्वान को स्वीकार किया और हम लगभग 3,800 अमृत सरोवर बना रहे हैं। ये साधारण सरोवर नहीं होंगे, इसमें जनभागीदारी भी हम लाने का प्रयास करेंगे, सौंदर्यीकरण होगा, ये गांव का एक ऐसा स्थान होगा जो श्रद्धा का स्थल भी बनेगा और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के दिन ध्वजारोहण भी इसी स्थल पर अमृत सरोवर पर किया जाएगा। इथेनॉल पॉलिसी हमने मध्य प्रदेश में बनाई और बहुत अच्छा काम उसमें हुआ है, लगभग 50 करोड़ लीटर इथेनॉल के उत्पादन की स्वीकृति पत्र जारी किए हैं, उस पर भी चर्चा हुई। ई रुपए का प्रयोग हो शासकीय योजनाओं में, जो हम सब्सिडी की योजनाएं देते हैं या बच्चों को या बाकी अलग अलग जनता को, पहले हम ये करते थे कि हम सामान उनको दें फिर ये तय किया डीबीटी करें, लेकिन डीबीटी करने के बाद भी कई जगह ये पता चला कि जो सामान खरीदना था वो नहीं खरीदा, इसलिए ई वाउचर का उपयोग अब मध्य प्रदेश में हम करेंगे। बच्चों की साइकिल खरीदने में ई वाउचर का उपयोग होगा, मतलब एक ई वाउचर नंबर उनको दिया जाएगा, वो नंबर जाके जो चिन्हित दुकानदार होंगे, निर्माता होंगे, वहां देंगे और उसके आधार पर जिस काम के लिए, जिस चीज की खरीदी के लिए ई रुपया जारी होगा वही चीज उससे खरीद पाएंगे। कृषि और शिक्षा में साइकिल खरीदने में हम ई वाउचर का उपयोग करना प्रारंभ करेंगे, मध्य प्रदेश का इनोवेशन होगा। कृषि के विविधीकरण के लिए प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था, हमारे पास गेहूं के भंडार है, हमारे पास धान के भंडार है, लेकिन तिलहन की कमी है, तो मध्य प्रदेश में हम एक नीति बना रहे हैं जिसमें हम तिलहन का उत्पादन भी कर सकें और वो चीजें जिससे किसानों को कैश क्रॉप के रूप में फसल उगाएं और उनको ज्यादा दाम मिल सके अपनी उपज के, तो वह हमने चिन्हित की है, उसकी एक नीति पॉलिसी बनाई है, उस पर भी माननीय प्रधानमंत्री जी से चर्चा हुई है। हम तिलहन का
अधिक उत्पादन करके आज जो आयात करना पड़ता है हमको खाद्य तेलों का और विदेशी मुद्रा हमारी बाहर जाती है उसको भी हम बचाने का प्रयास करेंगे। ऐसे अनेकों मुद्दों पर माननीय प्रधानमंत्री जी से चर्चा हुई, कई विषयों पर उन्होंने मार्गदर्शन किया और उन्होंने जो मार्गदर्शन किया है उसके आधार पर हम कई नई योजनाएं बनाएंगे, पुरानी को अपडेट करेंगे और उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री जी का, भारत सरकार का हर संभव सहयोग मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास के लिए मिल रहा है और आज की ये भेंट उस दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम साबित होगी और मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने समय दिया और मध्य प्रदेश की योजनाओं में गहरी रुचि ली। सहयोग तो वो दे ही रहे हैं, उनके अनेक प्रकार की सलाहें और मार्गदर्शन भी हमको मिला। सर, क्या अभी चुनाव का है पॉलिटिकल क्या है, जनता की सेवा ही पॉलिटिक्स है। कुछ ऐसी चर्चाएं चल रही है कि वहाँ पे पॉलिटिकल कुछ चेहरे वाले बदले जाने की चर्चा है। आप बदलते रहो चेहरे, चर्चा हुई, कानून व्यवस्था की रिपोर्ट सौंपी गई है, यहाँ तक कि इन्वेस्टर्स समिट जो है उसकी भी तारीखों में बदलाव किया गया है। और कौन कौन से मुद्दे जिनको लेकर दोनों के बीच चर्चा हुई है? कुमार गौरव, मेरा सवाल ये है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान और पीएम मोदी के बीच चर्चा हुई है, सीएम ने पीएम को कानून व्यवस्था की रिपोर्ट सौंपी और साथ ही इंदौर में होने वाले इन्वेस्टर्स मीट की जो तारीख है वो भी उसमें बदलाव किया गया, और कौन कौन से अहम मुद्दे हैं जिसको लेकर दोनों के बीच चर्चा हुई है? देखिए, मुख्य तौर पर जो बात शिवराज सिंह चौहान नहीं बता रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं जो राजनीतिक चर्चाएं हैं, चूंकि कुछ दिन पहले प्रदेश में जो उपद्रव की स्थिति थी उसको लेकर तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट कानून व्यवस्था की सौंपी ही है, लेकिन आगे जो 2023 आगे जो चुनाव है उसको लेकर क्या कैसे आगे बढ़ना है, किन योजनाओं को, खासकर प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया है कि केंद्र की जो योजनाएं हैं उसको जन जन तक तो पहुंचाना ही है, उसकी मार्केटिंग भी अच्छे तरह से करनी है। मतलब कहने का मतलब ये कि आम जनता से भाजपा के जो प्रदेश के नेता हैं और जो मंत्री हैं वो लगातार कनेक्ट बनाकर रखें, ये प्रधानमंत्री की तरफ से मैसेज दिया गया है शिवराज सिंह चौहान को, ताकि जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो तो उस वक्त जागने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनावी लड़ाई ऐसा माना जा रहा है कि इस बार काफी टफ होगा, इसलिए जो केंद्र की सभी योजना और खासकर जो लाभार्थी और जो फ्री अन्य योजना जिसका लाभ उत्तर प्रदेश में बीजेपी को चुनाव में मिला है उस पर तेजी से काम करने को निर्देश शिवराज सिंह चौहान को प्रधानमंत्री ने दिया है, यानी कि 2023 को ध्यान में रखते हुए राज्य की प्रगति की रिपोर्ट तो उन्होंने सौंपी ही है, साथ साथ केंद्रीय योजनाओं के बारे में क्या चल रहा है, क्या स्थिति है प्रदेश में उसकी भी जानकारी उन्होंने दी है, और प्रधानमंत्री का स्पष्ट निर्देश है सभी मुख्यमंत्रियों को और आज शिवराज सिंह चौहान को भी मिला है कि फ्री अन्य योजना जो सरकार ने फिर बढ़ाया है 6 महीने के लिए वो आम जन तक पहुंचे, प्रदेश स्तर पर उसमें कोई लापरवाही ना हो, ये भी सख्त निर्देश शिवराज सिंह चौहान को मिले हैं। यानी कुल मिलाकर जो जीत के मंत्र की बात हम लोग लगातार कर रहे थे कि शिवराज सिंह चौहान को प्रधानमंत्री जीत का मंत्र देंगे कि आगे योजनाओं के आधार पे कैसे एक लाभार्थी वोट बैंक तैयार करना है, उस पर आज दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई है। जी जी बिल्कुल, 2023 के विधानसभा चुनावों को लेकर भी दोनों के बीच चर्चा हुई है, एक तरह से रणनीति भी बनाई गई है। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार गौरव तमाम जानकारी देने के लिए।